धनखड़ की कुर्सी के नजदीक पहुंचे संजय सिंह, फिर जो हुआ देखती रह गई पूरी संसद। राज्यसभा में सोमवार के दिन की कार्यवाही की शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्ष ने रजनी पाटिल का सस्पेंशन वापस लेने की मांग को लेकर हंगामा किया। सस्पेंशन वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए। हंगामे और नारेबाजी के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही जारी रखने की कोशिश की। राज्यसभा की कार्यवाही को हंगामे के कारण स्थगित करना पड़ा। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही 11:50 तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को जैसे ही शुरू हुई, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव के 2 नोटिस प्राप्त होने की जानकारी दी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से भी स्थगन प्रस्ताव की नोटिस प्राप्त होने की जानकारी दी और कहा कि पहले मिले नोटिस और इसमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ये नोटिस खारिज किए जाने की जानकारी दी। सभापति के इस ऐलान के बाद विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश की जनता चाहती है कि आज के दिन राज्यसभा में चर्चा हो, राज्यसभा में बहस हो, चर्चा हो। विपक्ष की ओर से इसके जवाब में कहा गया है कि देश की जनता जेपीसी चाहती है सर। जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सांसदों को संविधान निर्माताओं की भावना का हावना हवाला देते हुए सदन में चर्चा की नसीहत दी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।